गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग तृतीय की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको प्राणी शास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम जैव भू रासायनिक चक्र बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, वाटर साइकिल आदि, फास्फोरस साइकिल आदि का अध्ययन कर लिया है। उसी श्रृंखला में आज हम नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र का अध्ययन करेंगे। बच्चों, नाइट्रोजन जीवधारियों में, समस्त प्रकार के जीवधारियों में बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सभी अमीनो अम्लों से बनते हैं और अमीनो अम्ल का बहुत महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंट नाइट्रोजन है। तो इस तरह से चाहे प्लाज्मा झिल्ली की प्रोटीन हो या कोशिकाओं के अन्य प्रोटीन तत्व हों, एंजाइम्स हों, ये सभी नाइट्रोजन के ही द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरी तरफ जो न्यूक्लिक अम्ल हैं, डीएनए और आरएनए, इनमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन, उनमें भी नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से समस्त जीवधारी, चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो या बड़े से बड़े प्लांट हों या एनिमल्स हों, सभी में प्लाज्मा झिल्लियों के निर्माण में, एंजाइम्स के निर्माण में, अदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के निर्माण में तथा समस्त न्यूक्लिक एसिड्स के निर्माण में नाइट्रोजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति में जो हमारा गैसीय वातावरण है, इस गैसीय वातावरण में नाइट्रोजन सबसे अधिक उपलब्ध है। 79% रफली आप 80% तक मान सकते हैं, 79-80% गैसीय वातावरण में नाइट्रोजन उपस्थित है। यद्यपि है ये बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध, लेकिन ये जीवधारी सीधे ही नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते। जीवधारियों के उपयोग के लिए इस नाइट्रोजन को अनेक क्रियाओं के द्वारा अन्य कंपाउंड्स में बदला जाता है। और ये नाइट्रोजन जो वातावरण में मैंने बताया कि 79% है, ये जैविक तंत्र से होती हुई पुनः वातावरण में पहुंचती है। वातावरण से प्रारंभ होती है, जैविक तंत्र में पहुंचती है और जैविक तंत्र से फिर वातावरण में पहुंच जाती है। इसी क्रिया को, इसी को नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल किन किन चरणों में संपन्न होती है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेज होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। वातावरण में जो नाइट्रोजन पाई जा रही है उसका फिक्सेशन किया जाना। क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखते हैं। जो वातावरण में नाइट्रोजन है वो N2 रूप में पाई जाती है। N2 का अर्थ है कि उसमें दो एटम नाइट्रोजन के हैं। इस N2 को नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में तोड़ दिया जाता है, इसके दोनों एटम अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात N+N, दोनों एटम अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद यही एटम्स हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके या तो अमोनियम अमोनिया इस तरह के साल्ट बनाते हैं या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाते हैं। यही क्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है, अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन अणु का ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन के बाद ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इस प्रकार के
कंपाउंड में बदल जाता है जो बायोलॉजिकल सिस्टम द्वारा उपयोग में लिया जा सके, जैविक तंत्र द्वारा, सजीवों द्वारा जिसको उपयोग में लिया जा सके, क्योंकि सीधे नाइट्रोजन या N2 सजीवों के उपयोग में नहीं आती है। तो इस नाइट्रोजन फिक्सेशन अर्थात N2 को इसके हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कंपाउंड्स में बदलने की क्रिया के 3 रास्ते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल, दूसरा बायोलॉजिकल और तीसरा इंडस्ट्रियल। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं। यद्यपि इस प्रक्रिया के द्वारा बहुत कम नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये क्रिया जब बिजली चमकती है आकाश में तो वहाँ विद्युत चमकने से बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा से नाइट्रोजन का अणु टूट करके इसके परमाणु अलग हो जाते हैं और इसी ऊर्जा के द्वारा बिजली चमकने की, लाइटनिंग जिसको कहते हैं, लाइटनिंग की ऊर्जा से ही ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अमोनिया या नाइट्रेट का निर्माण कर लेता है और ये अमोनिया या नाइट्रेट सजीवों के लिए, बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है जो वातावरणीय कारकों, विद्युत के चमकने से, लाइटनिंग से होता है। दूसरी क्रिया है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे अधिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इसी बायोलॉजिकल प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। ये इस क्रिया में वातावरण की जो नाइट्रोजन है, या तो वो गैसीय रूप में सॉइल में पहुंचती है या फिर जल में प्रेसिपिटेट होती है। इस क्रिया को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो सॉइल में या जल के सरफेस पर नाइट्रोजन पहुंचता है और वहाँ पहुँचने के बाद इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन सजीवों के द्वारा, बैक्टीरिया या एल्गी के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। वहाँ जा करके ये हाइड्रोजन से क्रिया कर लेता है और अमोनिया का निर्माण करता है। इस क्रिया को मैंने बताया कि सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सजीव करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ऐसे बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक, सहजीवी रूप में अन्य पौधों पर के निवास करते हैं। तो एक तो ये बैक्टीरिया हो गए जो सहजीवी बैक्टीरिया हैं। दूसरे, ऐसे बैक्टीरिया जो स्वतंत्र जीवी होते हैं, सहजीवी नहीं होते, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और तीसरे, कुछ एल्गी होते हैं, वो एल्गी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो 3 प्रकार के सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या फ्री लिविंग बैक्टीरिया तथा एल्गी। इन बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। यही नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन के अणु को तोड़ करके उसके परमाणुओं को अलग करता है, जिससे वो परमाणु हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ क्रियाशील हो जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सेशन है जिसमें सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। तीसरे प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सेशन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। औद्योगिक प्रकार से विभिन्न प्रकार के उद्योगों में नाइट्रोजन का प्रयोग करके फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं और ये फर्टिलाइजर का बनाया जाना भी एक नाइट्रोजन फिक्सेशन की ही प्रक्रिया है। तो ये जो मैंने 3 प्रकार बताए, इसमें सबसे अधिक योगदान बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही है। तो पहला स्टेप था, मैंने जो बताया नाइट्रोजन साइकिल का, ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन अर्थात नाइट्रोजन अणु को इसके परमाणुओं में तोड़ा जाना और इसके परमाणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन आदि के साथ क्रिया करके अमोनिया या नाइट्रेट या इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण किया जाना। इसमें दूसरा स्टेज है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का अर्थ है कि जो नाइट्रेट, अमोनियम या नाइट्राइड जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद बने थे, उनको अब प्लांट्स प्रयोग में लेते हैं,
उनकी जड़ों के द्वारा ये अवशोषित किया जाता है और प्लांट्स इसका उपयोग अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल, प्रोटीन आदि विभिन्न तत्वों के निर्माण में या न्यूक्लिक एसिड आदि तत्वों के निर्माण में इस नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया को उपयोग में लेते हैं। एसिमिलेशन का अर्थ है पौधों द्वारा नाइट्रेट युक्त यौगिकों का, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का अवशोषण किया जाना, तो ये दूसरी प्रक्रिया है। तीसरी प्रक्रिया कहलाती है अमोनिफिकेशन। जो भी प्लांट या एनिमल हैं और जिन्होंने नाइट्रोजनी पदार्थों का उपयोग करके प्रोटीन आदि तत्वों का निर्माण किया है, जब वो उनकी डेथ हो जाती है या वो उत्सर्जी तत्वों के रूप में अमोनिया या नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं शरीर से, तो ये जो अमोनिया है या जो उनके शरीर में नाइट्रोजनस तत्व है, इसको डीकम्पोज किया जाता है। इन यौगिकों का डीकम्पोजिशन किया जाता है। डीकम्पोजिशन वास्तव में ये भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही की जाने वाली क्रिया है, जिनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो डीकम्पोज होने के बाद ये अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सड़े गले जंतु, सड़े गले पादप या जंतुओं और पादपों का वेस्ट प्रोडक्ट, ये सभी अमोनिया में बदला जाता है। इसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो डीकम्पोजर्स के द्वारा किया जाता है। अगला स्टेप इसका कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। तो जो अमोनिया, अभी हमने बताया कि अमोनिया के रूप में सड़े गले जीवों, पौधों आदि को बदला गया, उनको उस अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया एक तरह से टॉक्सिक है, अमोनिया टॉक्सिक है लिविंग सिस्टम्स में, अधिकांश लिविंग सिस्टम, अधिकांश जीवधारी अमोनिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया है उनकी, अमोनिया का उनके प्रति विपरीत प्रभाव पड़ता है, अमोनिया को वो सहन नहीं कर सकते। तो कुछ बैक्टीरिया इस अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं और दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया उस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। और नाइट्रिफिकेशन के बाद ये जो नाइट्रेट उपलब्ध हुए, ये नाइट्रेट पौधों द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, पौधे इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल साइकिल हो गई। प्लांट ने नाइट्रोजन लिया, सड़ा गला और फिर नाइट्राइट में बदला, फिर प्लांट ने लिया, ये चक्र, छोटा साइकिल प्लांट और सॉइल के बीच में चल रहा है। अगला स्टेप इसका डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन के विपरीत क्रिया है। जो नाइट्रेट अभी मैंने बताया कि नाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रेट बना था और इसको पौधों ने लिया, पौधे सड़े और फिर से अमोनिया और फिर नाइट्रेट, तो अमोनिया और नाइट्रेट की ये क्रिया नाइट्रिफिकेशन बताई थी। इस नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करके, तोड़ करके और इसका नाइट्रोजन फिर से वातावरण में पहुंचाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि चक्र तभी पूरा होगा, साइकिल तभी कंटिन्यूस लगातार चल पाएगी जब वातावरण के नाइट्रोजन की रिकवरी भी होती रहे। अन्यथा वातावरण का नाइट्रोजन अगर जीवधारी लेते रहे और वापस वातावरण को नाइट्रोजन नहीं दिया, तो वातावरण में नाइट्रोजन की कमी होने लगेगी। तो ये अनुपात एक निरंतर स्थिर बना रहे, इसके लिए आवश्यक होता है कि जो जीवधारियों ने नाइट्रोजन लिया था उसको फिर से वातावरण में पहुंचा दिया जाए। तो नाइट्रेट्स को तोड़ करके, ब्रेक डाउन करके, इसका नाइट्रोजन फिर से गैसीय रूप में बदला जाता है और वो गैस वातावरण में नाइट्रोजन गैस के रूप में पहुंचती है। ये क्रिया डीनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया वास्तव में
नम स्थानों पर होती है, और ऐसे स्थान जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम हो ऐसे स्थानों पर डीनाइट्रेशन की प्रक्रिया होती है। ये डी बैक्टीरिया जिनको ये भी बैक्टीरिया के द्वारा की जाने वाली क्रिया है, बैक्टीरिया जो इस क्रिया को करते हैं उनको डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट को तोड़ते हैं, नाइट्रेट को टूटने से उनमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो ऑक्सीजन निकलती है वो ऑक्सीजन बैक्टीरिया अपने लिए उपयोग में ले लेते हैं, और बची हुई जो नाइट्रोजन है इसको वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा ये नाइट्रोजन साइकिल पूरी होती है, जो वातावरण से नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में नाइट्रोजन लिया गया था वही नाइट्रोजन डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया में वापस वातावरण में पहुंचा दिया जाता है, और इस बीच में अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन आदि की क्रियाएं भी होती रहती हैं। तो ये है नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें आपने देखा कि वातावरण से नाइट्रोजन को लिया गया, उसको तीन रूट से फिक्सेशन किया गया, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से, चाहे इंडस्ट्रियल तरीके से, अन्यथा बायोलॉजिकल तरीके से, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद पौधों को प्राप्त हुआ, सॉइल से पौधों को प्राप्त हुआ, पौधे से फिर सॉइल में गया, और फिर से सॉइल से कुछ हिस्सा पौधों ने लिया और बाकी हिस्सा डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा वापस वातावरण में भेज दिया गया। तो बच्चों ये पूरी बात हुई नाइट्रोजन साइकिल की। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि विद्यार्थी दोनों माध्यमों के हैं, हिंदी माध्यम भी हैं, अंग्रेजी माध्यम भी हैं, इसलिए ये जो कंटेंट है ये दोनों माध्यम में है। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो YouTube से इसको सुन करके आवश्यकता अनुसार नोट कर लें, और जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो WhatsApp से इसको पढ़ लें और आवश्यकता अनुसार नोट कर लें। YouTube और WhatsApp पर दोनों पर हिंदी और अंग्रेजी में कंटेंट सेम है, दिया गया मटेरियल वही है। कोई असुविधा हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर या फ़ोन नंबर पर समस्या बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।